लोग आए जेड का फाइनली आउट रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड एटलीस्ट तो पहली चीज दिमाग में आती है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए, चाहिए. आपसे बस एक रिक्वेस्ट है हम भेड़ चार नहीं तो विल ऑलवेज टेक अ इनफॉर्म्ड डिसीजन जैसे जिस भी एग्जाम का डेट आएगा मेक दिसन टेक अंप्लीट इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर टू गो फॉर जेट और नॉट तो ये हमारा नया साइट है जेट किंग डॉट कॉम विच इज डेडिकेटेड फॉर दैट एग्जाम विच इकूज एक्चुअल पेपर डेट्स एवरीथिंग एंडसो लॉन्चिंग प्रोग्राम फॉर दैट ट्वेंटी फाइव इन केस टू ज्वाइन इस पर जाकर आप एक्चुअल पेपर भी दे, दे, देख सकते हो पेज सो दुम गो टू दो रजिस्ट्रेशन हैव स्टार्टिड टूडे एंड विल एंड बाई नवंबर थर्टी कैट के बाद तक भी आप फॉर्म भर सकते हो यार yeah, एक्चुअली क्या हुआ लास्ट ईयर बहुत ज्यादा लोगों ने दिखाया एग्जाम बिकॉज इतना ज्यादा बच्चों का वो मैनेज नहीं कर पाए मे बी दिसली सो दोल्ड कार्ड बाईर फॉर दैट एग्जाम एज वेल जो जो एक्स्ट्रा मेरे को करना है एडमिट कार्ड का डेट एंड चेकआउट द लिंक ऑनलाइन एज वेल सो अभी आपको क्या करना है सिर्फ रजिस्टर करना है वेरीफाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है देन यू टू अपलोडमेंट्स एंड पे द फीस कैट और Z. तो अगर आपको कैट अच्छा लग रहा है तो जैड भी अच्छा लगेगा लेकिन अगर आपको कैट से मन उड़ गया है कैट नहीं पसंद आ रहा तो नॉन कैट एग्जाम पे वी कैन फोकस ऑन सी टी स्नैप एनमैट सीमेट सी हम जेड ने नहीं देंगे इट्स नंबर वन थिंग यू टू टेक अ कॉल ऑन दैट आर यू कंफर्टेबल विद कैट लेवल प्रिपरेशन नॉट बिकॉज इफ यू नॉट कंफर्टेबल कैट लेवल प्रिपरेशन देन देट भी नहीं हो पाएगा तो so, अगर आप कैट अच्छे से दोगे तो जैड अपने आप अच्छे देम आर डिफिकल्ट एग्जाम नंबर वन सो जैड का जो मेन प्रॉब्लम था मार्किंग स्कीम एज वेल सो एवरी राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन लेफ्ट अन आंसर्ड आफ्टर द फर्स्ट एट क्वेश्चन विल बी आल्सो टेन परसेंट डिडक्शन तो मतलब अभी तक कैट में क्या था कि राइट होगा या रॉन्ग होगा अभी राइट होगा रॉन्ग होगा और छोड़ने पर भी देर इज अगेटिव मार्किंग एज वेल या सो दिस इज समथिंग वेरू टेक केयर ऑफ

जेम जन इंजीनियर मेल आई एम अहमदाबाद जाना मतलब नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन परसेंटाइल चाहिए आई एम ए बी सी जाने के लिए एक्सलर आई विच इज एट पारेट इज गिवर कॉलेंटाइज तो जैड एज बैकअप प्लान तो जो कैट दे रहा है अच्छे से वो जैड भी उसको देना चाहिए तो टेक इट आर द कॉम्बो पैक कि आप कैट ले रहे हो तो साथ में आपको जैड भी देना पड़ेगा देना भी चाहिए सो इफ यूर ज्वाइनिंग प्रोग्राम फॉर कैट जी स्ट्रेटी या वर्क वर्कशॉप तो उसमें जैड का भी मॉक्स इंक्लूडेड हो जाएगा फाइन एंड ऑल द कॉलेज मोस्ट ऑफ द कॉलेज एस पी भी लेना छोड़ दिया है विच आर सेप्टिंग कैट का स्कोर वो जैड का स्कोर भी लेते हैं या गोल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई एम टी गाजियाबाद के जे सुमाया विलिंकर ऑल द गुड बी स्कूल्स आर एक्सेप्टिंग जैड स्कोर एज वेल सिलेबस वाइज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द कैट सिलेबस एंड गुड न्यूज कैट का जो डी सेक्शन है जैट में नहीं आता Quant का लेवल सेम है थोड़ा कैट से ईजी रहेगा वर्बल है सेम लेवल इनफैक्ट हायर द कैट लेवल एंड डी लॉजिक की जगह डिसीजन मेकिंग है विच इज मोर ऑफ अ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ओके दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दाम कॉम्पिटिशन वाइज इज नॉट दैट बिग एज कैट बट लास्ट ईयर अराउंड एक लाख बीस हजार बच्चों ने एक्चुअली एग्जाम दिया था एक लाख तीस हजार ने फॉर्म भरा था ठीक है तो गोइंग टू बी ह्यूज बट उतने कॉलेजेस भी हैं जस्ट वन एडवांटेज वी अगर आपको मिल रहा है एक्स आर आई एक्स बी ऑल दैट इज प्रॉब्लम बट ऑफकोर्स एक्स आई का फीस इज ऑल्सो हाई ट्वेंटी फाइव प्लस आपको फीस जाता है मेन पॉइंट देर इज नो रिजर्व कैटेगरी सीट इन दैड एग्जाम सो इफ द रिजर्व कैटेगरी जैड देने का कोई फायदा नहीं है आप ओपन कैटेगरी में ही खेलना पड़ेगा

एंड अदर बी स्कूल विच एक्सेप्टिंग टॉप टेन कॉलेज आप एक बार चेक करो लिस्ट में यहां जाके सारे जैड का स्कोर जो लेते हैं so all good colleges are there. Should apply? ये कॉल आपको लेना है that's not, वो मेरे हाथ में नहीं है वो आपको डिसाइड करना, करना है कि लेना है लेना अपलाई करना है कि नहीं करना बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू आर गिंग दैट एग्जाम यू शुड गिवेल बट इफ यू आर नॉट लाइकिंग कैट एग्जाम चुप चाप की जैड की जगह अपन नॉन कैट पर फोकस करेंगे स्नैप सी मैट सी ई टी ऑल द नॉन कैट एन मैट ऑल द नॉन कैट एग्ज़ाम ठीक है पेपर पैटर्न हमने बात कर लिया लोकेशन वाइज एक्स आर आई इज़ इन जमशेदपुर तो प्लीज़ आप एक बार ये प्लान करके चलो कि आपको जमशेदपुर जाना पड़ेगा एम बी ए करने एंड ट्रस्ट मीज़ वन द बेस्ट सिटीज़ यू कैन स्टे इन एक्स आई दी अच्छा जमशेदपुर सिटी इज़ ऑलसो गुड फाइनली द कटा पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेकिंग यू टू अवर साइट जैड किंग डॉट कॉम वहाँ जाके आपको कैट टू जैड की सारी कटाओ मिल जाएंगी छोटेगा इन फॉर्म डिसीजन रहा दिन जस्ट दोस्तों के साथ फॉर्म भरने के लिए हम भी फॉर्म भर देंगे ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है लेकिन ये कैट के एंड तक भी खुला रहेगा तो अभी हमें पे करने की जरूरत नहीं है आप बस रजिस्टर करके वेरीफाई करके एप्लीकेशन फॉर्म भर के छोड़ दो ताकि हमें एक किक मिल जाए कि भाई अभी हमने फॉर्म देना शुरू भरना शुरू कर दिया एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑन जैन फाइव इफ एनी क्वेश्चन विच आर लेफ्ट अन आंसर्ड सो प्लीज डू पोस्ट इन द कमेंट्स आई विल पिक देम एज वेल ऑल द बेस्ट